हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट से जुड़ी एक और वीडियो में। दोस्तों डेली हम आपको क्रिकेट से जुड़ी छोटी से छोटी खबरें देते रहते हैं। दोस्तों बड़ी खबर में बात करेंगे, ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया अपना BBL का पहला शतक, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक और उभरते हुए खिलाड़ी ने 99 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को जिलाया जीत। तो दोस्तों आगे आपको बताएंगे कि कपिल देव ने विराट कोहली को समझाया कि वो ये गलती मत करें साउथ अफ्रीका दौरे स्टार्ट होने से पहले। दोस्तों ये सारी चीज़ों के ऊपर हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट के फ़ैन हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े वाले फ़ैन हैं, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने अपना BBL का पहला शतक लगाया पर उनकी टीम जीतने में नाकामयाब रही। जी हाँ दोस्तों, 177 रन मारे थे मेलबर्न स्टार्स ने और सिडनी सिक्सर्स को 178 रनों का लक्ष्य दिया था। सिडनी सिक्सर की तरफ से जॉर्ज फिलिपी ने 61 गेंदों पर 99 रनों की शानदार ताबड़तोड़ पारी खेलकर सिडनी सिक्सर्स को मैच जिता दिया। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि BBL एक T20 लीग है जो हर साल ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है, इसे लोग बिग बैश लीग भी कहते हैं। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल BBL में मेलबर्न स्टार्स के कैप्टन हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल ने 4 नंबर पर आकर आतिशी पारी खेली और मात्र 54 गेंदों में ही शतक लगा दिया। अब दोस्तों मैक्सवेल इतने अच्छे फॉर्म में है कि जिसकी वजह से ये अपने कप्तानी की दावेदारी RCB के लिए सबसे पहले पेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, RCB के लिए कप्तानी में सबसे पहले विकल्प यही रहेंगे शायद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कल विराट कोहली ने खुद लाइव आकर कहा कि उनको लेकर जो भी अफवाहें फैल रही थी वो सारी झूठी हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी ने मना नहीं किया था T20 से कप्तानी हटने के लिए। ये सारी चीज़ों को लेकर कपिल देव ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी उन्हें गेम पर फोकस करना चाहिए, साउथ अफ्रीका का दौरा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कपिल देव ने कहा विराट कोहली को लेकर। और दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के एक और उभरते हुए खिलाड़ी जॉर्ज फिलिपी। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज फिलिपी ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की। आपको बता दें कि जिस मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने शतक लगाया उसी टीम के खिलाफ जॉर्ज फिलिपी ने अपनी टीम सिडनी सिक्सर से खेलते हुए शानदार 61 गेंदों पर 99 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल के साथ जॉर्ज फिलिपी भी RCB में 2021 में खेले थे, और दोस्तों पर जॉर्ज फिलिपी को उतना मौका नहीं मिला, पर इस बार के IPL के ऑक्शन में वो ऑक्शन में मौजूद रहेंगे। हो सकता है दोस्तों सारी टीमें उनके पीछे जाएं और एक अच्छा दाव लगाएं। दोस्तों वे ओपनिंग बल्लेबाज, काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं ओपनिंग में, तो दोस्तों उनके लिए हर एक टीम जा सकती, हो सकता है चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस। दोस्तों आपको बता दें कि जॉर्ज फिलिपी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और ये स्पिन भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं और ये 360 खेलते हैं। एक तरफ से आप इनकी बैटिंग देखेंगे तो ये आगे पीछे हर जगह शॉट्स खेलते हैं, तो दोस्तों इनके ऊपर भी एक बड़ा दाव IPL में लग सकता है। हर एक टीम इनके ऊपर लगा सकती है बड़ा दाव अपने टीम में लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।